दोस्तों अब बारी आती है कोई स्क्रिप्ट की। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कुछ बटन्स, एक इनपुट लेने वाला हूँ मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इनपुट, इनपुट में लेने वाला हूँ मैं बटन। सेव करके जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप इसे बटन में कोई नाम देना चाहते हो तो दे दीजिए इसे एक वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैं देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसे कहने वाला हूँ क्लिक मी। सेव करके जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो चुका है जो मैं जिस पे प्रेस करने से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो उसके लिए यूज करना पड़ता है दोस्तों तो स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट टैग होता है। मैं जावास्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ बाय डिफॉल्ट। अगर दोस्तों आपको ये नहीं आता है तो बस मैं एक टेक्स्ट को मेंशन करने के लिए सिखा रहा हूँ अभी। मैं जावास्क्रिप्ट पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसे भी देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे मुझे लिखना होता है फंक्शन, जो भी फंक्शन मैं बनाना चाहता हूँ, और इसे मुझे लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट के अंदर, तो ये हाईलाइट होने वाला है फ्रेंड्स। देखिए फंक्शन, मैं इस फंक्शन का नाम लिखने वाला हूँ हेलो, जिसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट मैं अभी कुछ पास नहीं करना चाहता। और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जिसकी मदद से हमें अलर्ट मिल जाए जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करे। इसलिए मैं इस पर एक अलर्ट क्लिक करना, अलर्ट दिखाने वाला हूं, जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। ये वही है दोस्तों हेलो वर्ल्ड, जिसकी मदद से आप बेसिकली स्टार्ट करते हो अपना प्रोग्रामिंग कहीं पर भी। अब इसे आप, अब अगर आप इसे क्लिक बटन पर यूज करना चाहते हो तो आपको एक लगाना होगा लिसनर, इसे अगर आप क्लिक करें तो आपको हेलो वर्ल्ड दिखाई दे। तो आपको करना होगा बस इतना ही, जाइए अपने कमांड कमांड के इनपुट में जहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज करना होगा ऑन क्लिक की, क्योंकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो इसे कहाँ जाना है इसे मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा हेलो। यहाँ से यहाँ दीजिए, देख लीजिए दोस्तों हो चुका मेरा काम। आप देखिए इस फंक्शन को, है फंक्शन का नाम है हेलो। जैसे ही आप ऑन क्लिक में उस फंक्शन का नाम प्रोवाइड करते हो और इसे एक सेव करके, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा यहाँ पे पॉपअप हो रहा है एक डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ओके प्रेस करने के बाद वापस मुझे यहीं पर ले आता है। दोस्तों ये थे कुछ मेन ट्रिक्स HTML के, मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से आप HTML को यूज कर सकते हो, कौन से टैग यूज कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इसे अपनी तरफ से यूज करेंगे तो बेटर होगा, ये सिर्फ मैंने किया है, आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी होगी। शायद आप लोगों ने मेरे जो मैंने जो जितने भी टैग्स यहाँ पे दिखाए हैं, जिस तरह से मैंने उसे यूज किया है, उसे आपने अपने नोट और पेन से नोट कर लिया होगा। अब इसे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इजी और बेसिक टेक्स्ट है और ब्लॉक्स है, एलिमेंट्स है जो आपको याद रखने पड़ते हैं कुछ भी करने से पहले।